गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के चलते हुए शायद आप घर पे रहकर अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, आपको हमने लास्ट क्लास में लघु बीजाणु थानी के परिवर्धन के बारे में अध्ययन किया था और आपको बताया था कि लघु बीजाणु धानी का जब विकास होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन होने के पश्चात आपको हमने बताया था कि लघु बीजाणु धानी के परिवर्तन के पश्चात पराग कोष भित्ति और दूसरा बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात लघु बीजाणु धानी का परिवर्तन दो भागों में बटा होता है, जिसमें एक मैंने आपको बता दिया है पराग कोष भित्तियों का विकास होता है और दूसरा किसका होता है, बीजाणु जनन कोशिकाओं का विकास होता है। इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में और आपको बताया था कि लघु बीजाणु धानी की संरचना जो होती है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी की संरचना के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी की संरचना, और आपको हमने बताया था लघु बीजाणु धानी की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला मैंने बताया था पराग कोष भित्ति एंथर वॉल और दूसरा हमने आपको बताया था बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका या बीजाणु जन कोशिका भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, पराग कोष जो भित्ति होती है इसके बारे में हमने आपको बताया कि लघु बीजाणु धानी में पराग कोष भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं। सबसे बाह्य स्तर को मैंने बोला था बाह्य चर्म, जिस पर हम आपसे अध्ययन कर चुके हैं। बाह्य चर्म के बाद आता है अंतस्थीसियम, जिस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था मध्य परत और चौथा था टैपिटम। टैपिटम पर भी हम आपसे चर्चा कर चुके थे, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि टैपिटम जो होता है वो पराग कोष की भित्ति का सबसे आंतरिक भाग होता है और एक विशिष्ट प्रकार का भाग होता है। टैपिटम जो होता है वो पराग कोष की भित्ति का सबसे आंतरिक भाग होता है और कैसा होता है, विशिष्ट प्रकार का भाग होता है। इसकी कोशिकाएं आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है और मध्य परत के अंदर की ओर क्या होती है, स्थित होती है। इन सब बातों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। इनकी कोशिका कैसी होती है, दीर्घित होती है। हमने आपको बताया था कि लघु बीजाणु में चतुष का विकास होने पर टैपिटम की कोशिकाएं पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। टैपिटम की कोशिका प्रारंभिक अवस्था, टैपिटम की जो कोशिका होती है वो प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट केंद्रीय होती है और कोशिका द्रव क्या होता है, सघन मात्रा में उसमें पाया जाता है। साथ में हमने आपको बताया था कि इनकी जो कोशिका होती है, ठीक है, जब टैपिटम की कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो विकसित होने के पश्चात टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित केंद्रक बहुकेंद्रीय और बहुगुणित हो जाता है। इन सब चीजों पे हम बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो टैपिटम के प्रकार के बारे में बात करेंगे। टैपिटम के प्रकार, देखिए आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। टैपिटम के प्रकार, टैपिटम के प्रकार, देखिए टैपिटम के प्रकार क्या है इस पे चर्चा करेंगे। टैपिटम के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में कोशिका के स्वभाव के आधार पर, आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में
कोशिका के स्वभाव के आधार पर, कोशिका के किसके आधार पर, स्वभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। आवर्तबीजी पादपों में कोशिका के स्वभाव के आधार पर टैपेटम को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जिसे कहा जाता है अमीबीय टैपेटम, अमीबीय टैपेटम इंग्लिश में बोलते हैं अमीबॉइड टैपेटम, या इसका दूसरा नाम है पेरिप्लाज्मोइड टैपेटम के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार का जो टैपेटम होता है उसका नाम है श्रावी टैपेटम, जिसको इंग्लिश में सीक्रेटरी सीक्रेटरी टैपेटम कह सकते हैं, या इसका एक दूसरा नाम है ग्रंथिल टैपेटम के नाम से भी इसे जानते हैं। ग्रंथिल टैपेटम को ग्लैंडुलर टैपेटम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है ग्लैंडुलर टैपेटम के नाम से जाना। आइए देखिए आरबीएसई के अनुसार केवल आपको केवल ये बताया गया है कि आवर्तबीजी पादपों में टैपेटम दो प्रकार का होता है, पर एनसीईआरटी की बुक के अनुसार आपको बता रहे हैं कि टैपेटम दो प्रकार का होता है, परंतु उनका डिस्क्रिप्शन के बारे में भी यहाँ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि अमीबीय टैपेटम किस प्रकार का होता है। देखिए अमीबीय जो टैपेटम होता है ये कोशिका अमीबा की तरह क्या करती है, गति करती है। किसकी तरह गति करती है, नाम से भी आपको साफ लिखाई दे रहा अमीबीय टैपेटम। देखिए हम आपके एक बार फिर बता रहे हैं कि ये एक लघु बीजाणुधानी होती है जिसका ये सबसे भारी भाग होता है जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा के अंदर की ओर ये कोशिकाओं का एक स्तर होता है जिसे अंतर्थीसियम कहा जाता है, अंतर्थीसियम कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ एक से लेकर तीन परतीय संरचना पाई जाती है, एक से लेकर के तीन परतीय जो संरचना पाई जाती है इसे कहा जाता है मध्य परत के नाम से जानते हैं। और इस मध्य परत के अंदर की तरफ इस तरीके से बड़े आकार की जो संरचना पाई जाती है टैपेटम की कोशिका कहते हैं। अब आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि अमीबीय टैपेटम क्या है, अमीबीय टैपेटम पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए अमीबीय जो टैपेटम होता है मैंने आपको नाम से ही बता दिया है कि ऐसा टैपेटम जिसकी कोशिका अमीबा की तरह क्या करती है, ये कोशिकाएं अमीबा की तरह क्या करती है, गति करती है, और ये बीजाणु जनन कोशिकाओं को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए टैपेटम की कोशिकाएं जब आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इस तरीके से टैपेटम की कोशिकाएं आकार में कैसी हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है। देखिए ये कोशिका को मैंने यहां दिखा दी, इसी तरीके से दूसरी कोशिका आकार में कैसी हो गई है, यहां पे बड़ी हो गई है। तो जब दो कोशिकाएं आपस में, यानी कि टैपेटम की कोशिकाएं जब आपस में कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो ये कोशिकाएं एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये कोशिकाएं परस्पर जुड़ जाती हैं और जुड़ने पर ये पेरिप्लाज्मोडियम का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। इसलिए हमने यहाँ पे दो बातों पर चर्चा कर ली कि अमीबीय टैपेटम तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी कोशिका अमीबा की तरह गति करती है और बीजाणु मात्र कोशिकाओं को या बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। और पेरिप्लाज्मोडियम क्यों कहते हैं इसे टैपेटम, पेरिप्लाज्मोडियम टैपेटम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि पेरिप्लाज्मोडियम टैपेटम में जब टैपेटम की कोशिकाएं विकसित होती हैं तो आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है तो ये कोशिकाएं एक कोशिका दूसरी कोशिका से एक आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, चिपक जाती है, और जब जुड़ जाती है तो इस प्रकार के टैपेटम को क्या कहा जाता है, पेरिप्लाज्मोडियम टैपेटम कहते हैं। इस प्रकार का टैपेटम जो पाया जाता है, आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, टाइफा का पौधा होता है, उस टाइफा के अंदर अमीबीय प्रकार का टैपेटम पाया जाता है।
Have you any problem about amoeboid tapetum? I think there is no problem. श्रावी टैपिटम पे हम बात कर रहे हैं, ये दूसरे प्रकार का टैपिटम है, दूसरा प्रकार का टैपिटम है जिसका नाम है श्रावी टैपिटम। देखिए श्रावी प्रकार का टैपिटम जो होता है वो अधिकांशतः किसमें पाया जाता है, आवर्त बीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म पादपों में क्या है पाया जाता है। देखिए मोस्टली एंजियोस्पर्म पादपों में श्रावी प्रकार का टैपिटम पाया जाता है, ठीक है। और खास तौर से अगर हम बात कर रहे हैं तो किन में पाया जाता है ये भी आप बता देते हैं हम आपको, खास तौर से आवर्त बीजी पादपों में भी द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, डाइकोटिलीडन प्लांट्स के अंदर ये क्या है पाए जाते हैं, डाइकोटिलीडन प्लांट्स में ये पाया जाता है। श्रावी प्रकार का टैपिटम जो होता है वो खास तौर से द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। देखिए अब श्रावी टैपिटम क्यों कहते हैं, इसे श्रावी टैपिटम क्यों कहते हैं। देखिए ये टैपिटम की कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये टैपिटम की कोशिकाएं आप देख लो, और टैपिटम की जो कोशिका होती है उसकी ये क्या होती है भित्तियां होती हैं। टैपिटम की भित्ति, टैपिटम की कोशिका की जो भित्तियां होती हैं, इन भित्तियों से एक विशेष प्रकार के पदार्थ का क्या होता है स्राव होता है। टैपिटम की कोशिकाओं की भित्तियों से एक विशेष प्रकार के स्राव, एक विशेष प्रकार के पदार्थ का क्या होता है स्राव होता है, ठीक है। और ये जो स्राव होता है वो एक पोषणिक पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है पोषणिक पदार्थ होता है। हम कह सकते हैं कि टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, भित्ति कोशिकाएं होती हैं, उसने उससे पोषणिक स्राव होता है, और ये पोषणिक स्राव जो होता है वो बीजाणुजनन कोशिकाओं तक क्या है पहुंचा दिया जाता है, क्या पहुंचा कर दिया जाता है बीजाणु जनन कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इन कोशिकाओं को श्रावी टैपिटम कहते हैं। अर्थात टैपिटम की जो भित्तियां होती हैं उन भित्तियों से एक पोषणिक पदार्थ का स्राव होता है, और जिस पदार्थ का स्राव होता है उस श्रावित पदार्थ को बीजाणु जनन कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें श्रावी टैपिटम कहा जाता है। श्रावी टैपिटम अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। यहाँ पे एक सवाल आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, यदि किसी पराग कोष के टैपिटम में, ठीक है, यदि किसी पराग कोष के टैपिटम नष्ट हो जाए, ठीक है, या टैपिटम का क्या हो जाए ह्रास हो जाए, तो उस पादप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो उस पादप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। यदि ध्यान से सुन लीजिए एक बार सवाल को, यदि किसी पराग कोष के टैपिटम की कोशिकाओं का ह्रास हो जाए या वो कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो उन पादपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दूं उनके परागकण कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, स्टेराइल हो जाते हैं। और दूसरी बात है अगर स्टेराइल नहीं होंगे तो उनकी जो वृद्धि होती है, ठीक है, उनमें जो रुद्र वृद्धि वाले होते हैं, रुद्र वृद्धि का मतलब होता है उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी हो जाती है रुक जाती है, अर्थात टैपिटम की कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है रुक जाती है। परागकण अवरुद्ध हो जाने के परागकण बंद हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, और उनकी वृद्धि कैसी हो जाती है रुक जाती है, ठीक है भी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं टैपिटम के कार्य, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैपिटम के कार्य, फंक्शंस ऑफ टैपिटम, फंक्शंस ऑफ टैपिटम पे हम बात कर रहे हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ टैपिटम, सबसे पहला टैपिटम का कार्य आपको मैं बहुत देर से बता रहा हूं, और वो कार्य आपको पता है कि टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या काम करती है, बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। कौन सी कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर स्पोरोजीनस सेल्स, ओके,
तो पहला कार्य हो गया है कि बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य। दूसरा मैं आपको बता दूं, इन्हीं टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का क्या होता है, श्रावण होता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का जो श्रावण किया जाता है वो भी टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द टैपिटम सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोनों का जो सीक्रेशन होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, हार्मोन सीक्रेशन किसके द्वारा होता है, टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। हार्मोनों का श्रावण जो होता है वो भी टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा, खासतौर से इंडोर एसिटिक एसिड होता है, इंडोर ब्यूटेरिक एसिड होता है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड होता है। तो ये सारे हार्मोनों का श्रावण किसके द्वारा होता है, इनके द्वारा होता है। मेजरली IAA का क्या होता है, निर्माण होता है इंडोर एसिटिक एसिड। देखिए तीसरे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। देखिए टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें यूबिस कणों का क्या होता है, स्राव होता है। कौन से कणों का स्राव होता है, टैपिटम की कोशिकाओं से यूबिस कणों का स्राव होता है। ठीक है, और यूबिस कण जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन होता है। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन। और आपको मैंने बताया था कि स्पोरोपोलेनिन जो होते हैं वो पराग कणों के बाह्य चोल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि पराग कण का बाह्य चोल किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ध्यान से सुनना, टैपिटम की कोशिकाओं द्वारा यूबिस कणों का निर्माण होता है जिनमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन क्या काम करते हैं, पराग कणों के बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होता है। या हम कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि पराग कण का बाह्य चोल किससे बना होता है, तो पराग कण का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से क्या होता है, बना होता है। देखिए फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चौथे बिंदु पे। देखिए टैपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो पराग कणों में पोलन कीट के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। पोलन कीट के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। और हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि टैपिटम की जो कोशिका होती है वो पोलन कीट के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। तो पोलन कीट का जो निर्माण होता है वो भी टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं पोलन कीट क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है उन पादपों के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के ऊपर एक तेलीय परत का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। पोलन कीट बता रहे हैं आपको कि ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, और जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है उन पादपों के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के ऊपर क्या पाया जाता है, एक तेलीय पदार्थ पाया जाता है। और वो तेलीय पदार्थ क्या काम करता है, उन पादपों में या उन पुष्पों में रंग गंध, उन पुष्पों में रंग गंध एवं चिपचिपाहट उत्पन्न करने का क्या करता है, कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन कीट। पोलन कीट की परिभाषा क्या हुई कि वे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है उन पादपों के पुष्पों के ऊपर तेलीय परत का निर्माण होता है जिससे पुष्प में रंग गंध एवं चिपचिपाहट का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है, पोलन कीट। और इस पोलन कीट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, टैपिटम के द्वारा किया जाता है। देखिए एक और बात कर रहे हैं, टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा कैलोज एंजाइम, कौन सा है, कैलोज एंजाइम, एंजाइमों को विकर भी बोलते हैं। टैपिटम के द्वारा कैलोज एंजाइमों का क्या होता है, निर्माण होता है, या कैलोज एंजाइमों का श्रावण होता है। कैलोज एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द टैपिटम सेल। तो कैलोज एंजाइम के द्वारा कैलोज एंजाइमों का जो श्रावण होता है वो टैपिटम की कोशिकाओं से होता है। और ये एंजाइम क्या काम करता है, पराग का कोष के स्पुटल में, पराग कोष के स्पुटल में भी सहायक होता है, साथ में जैविक अपघटन की क्रिया में सहायक होता है। कैलोज एंजाइम किस में सहायक होता है, एक तो पराग कोष के स्पुटल में सहायक होता है,
पराग कोष के स्फुटन में सहायक होता है, साथ में जैविक क्रियाओं के अपघटन में भी क्या होता है सहायक होता है, या जैविक अपघटन में सहायक होता है। तो ये आपको हमने बता दिया टैपिटम के कार्य। पहला कार्य बताया बीजाणु जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं, दूसरा कार्य बताया इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का निर्माण होता है, तीसरा इनमें यूपिस कणों का निर्माण होता है जिनमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन पराग कणों के बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होता है, इनमें पोलन टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा पोलन कीट का निर्माण होता है, और लास्ट बताया मैंने टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा कैलोज एंजाइम का क्या होता है श्रावण होता है। कैलोज एंजाइम जो होता है वो पराग कोष के स्फुटन में साथ में उनके जैविक अपघटन की क्रिया में भी क्या होते हैं सहायक होते हैं। देखिए हमने बात कर ली अब आपको टैपिटम के कार्य। हमने आपसे बात की थी कि लघु बीजाणु धानी की संरचना में संरचना के दो भाग होते हैं पराग कोष भित्ति और बीजाणु जनन कोशिका, इसलिए अब हमारा टैपिटम वाला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं बीजाणु जनन कोशिकाओं के बारे में कि बीजाणु जनन कोशिका क्या है। देखिए हम आपको ये बीजाणु जनन कोशिका ये दूसरा बिंदु है, इस बीजाणु जनन कोशिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए ये पराग कोष की भित्तियां आप देख रहे हो बाह्य त्वचा एंडोथीसियम मध्य परत और टैपिटम। देखिए पराग कोष की भित्ति द्वारा ये पराग कोष की भित्तियां हैं और इन भित्तियों के अंदर की तरफ यहाँ पे क्या पाया जाता है आपको बता दूं बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती है, बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती है। परिभाषा सुन दीजिए आप कि ये क्या है पराग कोष की भित्ति। पराग कोष की भित्ति द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब देखिए ये बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो ये पराग कोष की भित्तियों के द्वारा क्या होता है घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, ठीक है। पराग कोष में भित्ति द्वारा पराग कोष की भित्ति द्वारा ठीक है परिबद्ध ये क्या है कोशिकाओं का एक समूह होता है और इस समूह को क्या कहा जाता है बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। बीजाणु जनन कोशिका किसे कहते हैं पराग कोष की भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है बीजाणु जनन कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो बीजाणु जनन कोशिका की परिभाषा आपके सामने आ गई होगी कि पराग कोष की भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है बीजाणु जनन कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो बीजाणु जनन कोशिका की परिभाषा आपकी समझ आ गई। देखिए बीजाणु जनन जो कोशिका होती है ठीक है इन कोशिका ये कोशिकाएं जो होती हैं बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं वो पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, पराग मात्र कोशिका के रूप में क्या करती है कार्य करती है, ठीक है। और पराग मात्र जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या MSMC के नाम से भी जानते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से भी इन्हें क्या है जाना जाता है पराग मात्र कोशिका के रूप में जानते हैं, ठीक है। या इन्हीं कोशिका को हम प्राथमिक बीजाणु जनन प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं। देखिए इन पराग मात्र कोशिकाओं में क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, पराग मात्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार लघु बीजाणुओं का क्या होता है निर्माण होता है। कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है चार लघु बीजाणुओं का क्या होता है निर्माण होता है, ध्यान से सुनिए। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अभी हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल आप इसको ये समझ लीजिए कि इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बीजाणु जनन कोशिका में हमने आपको बता दिया है कि बीजाणु जनन कोशिका क्या है पराग कोष की भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। बीजाणु जनन कोशिका होती है वो पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है जिन्हें प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं,
प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्र विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए अगर इसका सीधी परिभाषा हम निकालना चाहें तो हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, माइक्रोस्पोर और जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन, जनरेट। जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में अगर बोलना चाहें तो देखो नाम से भी स्पष्ट कर रहा है, माइक्रोस्पोर का अर्थ होता है लघु बीजाणु और फॉर्मेशन का अर्थ होता है निर्माण। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परंतु ये एक अच्छी परिभाषा नहीं है, यानी कि हम एक सामान्य परिभाषा जो हमने आपको सामान्य रूप से परिभाषा दी है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक परिभाषा भी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन कैसे होता है? देखिए आवर्त बीजी पादपों में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, ठीक है। और लघु बीजाणु जो धानी होती है, ठीक है, उस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या है? कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु धानी में कोशिका होती है और उन कोशिकाओं के अंदर क्या भरा होता है? एक गाढ़े रंग का जीव द्रव भरा होता है। गाढ़ा जीव द्रव क्या है उसमें भरा होता है? देखिए लघु बीजाणु धानी में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन उपस्थित कोशिकाओं में गाढ़ा जीव द्रव क्या होता है? भरा होता है। हम दूसरे शब्दों में कहें कि लघु बीजाणु धानी में जीव द्रव, गाढ़े जीव द्रव वाली क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी में गाढ़े जीव द्रव वाली क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। और जिनमें गाढ़ा जीव द्रव पाया जाता है उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा जाता है, प्राथमिक बीजाणु, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहा जाता है, PGSGC के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। देखिए प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा या इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहा जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका नहीं कहें तो इन्हें पराग मात्र कोशिका भी हम कह सकते हैं, पराग मात्र कोशिका भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग मात्र कोशिका कहा जाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का या पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिकाएं कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इनमें प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु जो होगा, प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु इनमें होते हैं,
सक्रिय लघु बीजाणु, ठीक है। प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उस प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्र विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन होने पर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु का, जिसे हम नर युग्मक भी कहते हैं, या पराग कण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण हो जाता है। और लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को हमने क्या कहा था? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण हो गया, लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये बाद में बात करेंगे कि यहाँ पे कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। चार लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, या चार परागकणों का निर्माण होता है। परंतु ये लघु बीजाणु चतुष्क व्यवस्था में क्या होते हैं? चतुष्क रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क। चतुष्क को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। चतुष्क रूप में क्या होते हैं? ये व्यवस्थित रहते हैं। लघु बीजाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। अब हम आपको परिभाषा निकाल करने दे रहे हैं, निकाल करके दे रहे हैं, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए लघु बीजाणु धानी में उपस्थित, किसमें उपस्थित? लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ध्यान से सुनना, लघु बीजाणु धानी में उपस्थित कौन सी कोशिका? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। परिभाषा है, देखिए लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर यहां से देखिए परिभाषा निकल के आ रही है। लघु बीजाणु धानी में उपस्थित, क्या उपस्थित है लघु बीजाणु धानी में? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्र विभाजन होता है। और अर्धसूत्र विभाजन होने के बाद किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा समझ में आगे होगी कि लघु बीजाणु ध्वनि में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में असूत्र विभाजन के पश्चात लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है, या पराग कणों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। देखिए लघु बीजाणु कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, अभी इस बारे में, अभी चतुष्क व्यवस्था के बारे में हम थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए, ये लघु बीजाणु मैंने बोला है कि किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क रूप में व्यवस्थित होते हैं। किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क रूप में। देखिए लघु बीजाणु धानी के अंदर एक लघु बीजाणु ये हो गया जो चतुष्क अवस्था में, ये दूसरा लघु बीजाणु है जो भी कौन सी अवस्था में व्यवस्थित है? चतुष्क रूप में व्यवस्थित, ठीक है। और इन दोनों लघु बीजाणुओं के मध्य में, इन दोनों लघु बीजाणुओं के मध्य में क्या पाई जाती है? एक कैरोज भित्ति पाई जाती है, ठीक है। दोनों लघु बीजाणुओं के मध्य में क्या पाई जाती है? कैलोज भित्ति का निर्माण होता है, या कैलोज भित्ति क्या है? पाई जाती है, ध्यान से सुनना है, कैलोज भित्ति पाई जाती है। दो लघु बीजाणु है, इन दो लघु बीजाणुओं के बीच में क्या पाई जाती है? कैलोज भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। कहां पे बात चल रही है? लघु बीजाणु धानी, यानी कि लघु बीजाणु धानी में दो चतुष्क लघु बीजाणुओं के मध्य में कैलोज भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। आपको बता दें इसी दौरान टेपिटम की जो कोशिका होती है उनसे स्रावित कैलोज एंजाइम जो होता है, वो कैलोज एंजाइम इस कैलोज भित्ति का क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। तो कैलोज एंजाइम के द्वारा इस भित्ति को यहां से क्या किया जाता है? अपघटित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब हटा दिया जाता है तो ये क्या है, आपके लघु बीजाणु ये कैसे हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। लघु बीजाणु जब स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं,
तो इनका आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था में ये परागण कहलाते हैं। कौन से अवस्था में? इस अवस्था में ये परागण कहलाते हैं। और परागण लघु बीजाणुधानी में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? बिखरी हुई स्केटर्ड फॉर्म के रूप में लघु बीजाणुधानी के अंदर परागण क्या है पाए जाते हैं। आपने देखा कि इस प्रकार से परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। आपको यहां पर हमने लघु बीजाणु जनन और परागकणों के निर्माण की क्रिया को एक साथ पढ़ा है। देखिए यहां पर क्या है, ये प्रक्रिया जो आपको मैंने बताई है ये प्रक्रिया कहलाती है कौन सी? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, परिभाषा क्या हुई कि लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका या पराग मात्र कोशिका में असूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और आपको हमने परागकणों के निर्माण के बारे में बताया था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, परागकणों का निर्माण कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? चतुष्क अवस्था में रहते हैं। और आपको बताया था कि लघु बीजाणु दो या दो से अधिक लघु बीजाणु जो होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु के मध्य में क्या पाई जाती है? एक कैलोज भित्ति पाई जाती है। और आपको बताया इस कैलोज भित्ति का अपघटन कैलेज एंजाइम के द्वारा कर दिया जाता है। कैलेज एंजाइम के द्वारा करने के पश्चात मैंने आपको बताया था कि इनकी संरचना ये क्या है कि मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और इनकी संरचना कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? परागण कहते हैं। और परागकण जो होते हैं वो लघु बीजाणु के अंदर कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रूप से बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकारों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं वो सामान्यतः पांच प्रकार के होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार पे हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। और सामान्यतः मैंने आपको बताया था सामान्यतः लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रकार पे हम अभी चर्चा करेंगे, पहले उनके नाम सुन लीजिए। ठीक है, तो ये चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। पहला नाम है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। दूसरे बिंदु को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इसे कहा जाता है सम द्विपार्श्वक, जिसको बोलते हैं आइसोबाइलेट्रल के नाम से जानते हैं। ये पहला प्रकार हो गया चतुष्फलकीय, दूसरा हो गया समद्विपार्श्वक, तीसरा प्रकार का जो होता है उसे कहा जाता है रैखिक। क्या कहा जाता है? रैखिक, जिसको बोलते हैं लाइनर। देखिए पांचवा प्रकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है उसका नाम है टी आकार का, टी शेप्ड। और चौथा प्रकार का जो होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रोसिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रोसिफ।
तो ये चार प्रकार के सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते। सबसे पहले जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो चतुष्फलकीय के बारे में बात कर रहे हैं कि चतुष्फलकीय चतुष्क कैसे होते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि अधिकांशतः जो आवर्त बीजी पादप होते हैं और आवर्त बीजी पादपों में भी खास तौर से जो द्विबीजपत्री पादप, कौन से पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें चतुष्फलकीय प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांशतः आवर्त बीजी पादपों में पाए जाते हैं। ये होते किस प्रकार के हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं उनमें आप ध्यान से देखिए कि इस प्रकार के बीजाणु की संरचना आपको हम दिखा रहे हैं इस प्रकार की होती है। देखिए ये है चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है। इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं इनको यदि एक ओर से देखा जाए, इस प्रकार के बीजाणुओं को यदि आप एक ओर से देखिए, ठीक है, तो एक ओर से जब देखेंगे तो तीन लघु बीजाणु, एक दो और तीन, ये तीन केवल तीन लघु बीजाणु ही क्या है दिखाई देते हैं। ठीक है, तीन लघु बीजाणु ही क्या है एक ओर से जब आप देखेंगे तो दिखाई देते हैं, परंतु चौथा लघु बीजाणु जो होता है वो इस लघु बीजाणु के, इन तीन लघु बीजाणु के किस ओर स्थित होता है, पीछे की ओर व्यवस्थित होता है या लगा होता है या विन्यासित होता है, इस प्रकार के को क्या कहा जाता है चतुष्फलकीय। परिभाषा इसकी सही मायने में क्या हुई कि इस प्रकार के बीजाणु, ऐसे बीजाणु जिन्हें एक ओर से देखने पर, ऐसे बीजाणु जिन्हें एक ओर से देखने पर केवल तीन लघु बीजाणु ही क्या है दिखाई देते हैं, केवल तीन लघु बीजाणु ही क्या है दिखाई देते हैं, कौन से दिखाई देते हैं, केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, केवल तीन, परंतु चौथा लघु बीजाणु जो होता है वो इस तीन लघु बीजाणुओं के किस ओर स्थित होता है, पीछे की ओर क्या होता है स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं, डाइकोटिलेडन प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समद्विपार्श्व, इसके बारे में समद्विपार्श्व के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार का जो चतुष्क होता है वो किस प्रकार का होता है, देखिए इस प्रकार के चतुष्क की मैं आपको संरचना बना करके दिखा रहा हूं। इस प्रकार का जो चतुष्क होता है ये देखिए समद्विपार्श्व चतुष्क की संरचना है। तो इस प्रकार के जो चतुष्क होते हैं उसमें चारों लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणु, दो लघु बीजाणु, तीन लघु बीजाणु और चौथा लघु बीजाणु, ये इस प्रकार के चतुष्क, ठीक है, मैं चारों लघु बीजाणु एक ही तल में क्या होते हैं लगे होते हैं, एक ही तल में क्या है ये लगे हुए हैं या एक ही तल में क्या होते हैं विन्यासित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है समद्विपार्श्व लघु बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, समद्विपार्श्व लघु बीजाणु किसे कहते हैं, ऐसे चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु, चारों एक दो तीन चार, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं या विन्यासित होते हैं या लगे हुए होते हैं, उसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहा जाता है। और आपको बता दें समद्विपार्श्व प्रकार के जो चतुष्क होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, खास तौर से एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। देखिए द्विबीजपत्री पादपों के अंदर कौन सा पाया जाता है चतुष्फलकीय प्रकार का, और एक बीजपत्री पादपों में कौन सा पाया जाता है समद्विपार्श्व प्रकार का, क्या पाया जाता है चतुष्क पाया जाता है। अगला हम बात करने जा रहे हैं रैखिक प्रकार। देखिए एक पौधा है, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा हेलोफिला, हेलोफिला, ये हेलोफिला नाम का एक पादप होता है,
ठीक है। और इस पादप के अंदर जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो चतुष्क होते हैं उस चतुष्क के अंदर लघु बीजाणु किस प्रकार से क्या है व्यवस्थित रहते हैं, उसका हम पहले डायग्राम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। देखिए हेलो प्रकार का जो हेलोफिला प्रकार का जो आप पादप होते हैं उनमें रैखिक प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। कौन सा प्रकार का पाया जाता है? रैखिक प्रकार का। यहाँ पर आप लघु बीजाणुओं को अगर देखें तो लघु बीजाणु किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित हैं, विन्यासित हैं, लगे हुए हैं। आप देखिए एक लघु बीजाणु, दो, तीन और ये चार, चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में, ठीक है, चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं या लगे हुए होते हैं। चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में क्या है, लगे हुए। और इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहा जाता है? रैखिक प्रकार का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैखिक प्रकार का कहा जाता है। अर्थात इसमें चतुष्क, ठीक है, इसमें सभी लघु बीजाणु, इसमें सभी लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु है एक, दो, तीन, चार, और इसमें सभी लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक रैखिक क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं या विन्यासित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रैखिक प्रकार का कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हेलोफिला प्रकार का जो पादप होता है उनके अंदर रैखिक प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं टी प्रकार के, कौन से प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, टी प्रकार के चतुष्क के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार का जो चतुष्क होता है, ध्यान से सुनना, इस प्रकार का जो चतुष्क होता है टी प्रकार का, उसमें हम बात क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस प्रकार के चतुष्क में दो लघु बीजाणु जो होते हैं, कौन से दो लघु बीजाणु जो होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, लंबवत लगे होते हैं, और दो लघु बीजाणु जो होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, अनुप्रस्थ रूप में लगे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के चतुष्क को टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है, ठीक है। देखिए हम आपको इसको डायग्राम के जरिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए एक बार। देखिए यहां पर दो लघु बीजाणु हैं और ये दोनों लघु बीजाणु एक दूसरे के कैसे लगे हुए हैं, लंबवत लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों लंबवत हैं आप देख रहे हो। और इसके पश्चात दो लघु बीजाणु जो होते हैं, ठीक है, ये एक लघु बीजाणु और ये दूसरा लघु बीजाणु जो होता है वो किस तरीके से लगा है, अनुप्रस्थ रूप में। तो ये दो लघु बीजाणु तो कैसे लगे होते हैं, अनुप्रस्थ रूप में लगे होते हैं, और दो लघु बीजाणु कैसे लगे होते हैं, लंबवत रूप में लगे होते हैं, ठीक है। हम परिभाषा क्या देंगे कि ऐसे चतुष्क जिसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत तथा दो लघु बीजाणु एक दूसरे के कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ रूप में विन्यासित रहते हैं या लगे हुए होते हैं, उसे टी आकार का चतुष्क कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसी होती है, टी शेप की होती है, टी आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। आपको बता दें इसका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया, कौन सा है, एरिस्टोलोकिया नाम का पौधा होता है, उसमें टी आकार का क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, ठीक है। सबसे अंतिम जो बात करने जा रहे हैं हम डीक्यू सेट के बारे में, डीक्यू सेट का अर्थ होता है क्रॉसिंग प्रकार के, डीक्यू सेट का अर्थ होता है क्रॉसिंग प्रकार के। देखिए क्रॉसिंग प्रकार के लघु बीजाणु, क्रॉसिंग प्रकार के जो चतुष्क होते हैं वो किस, कौन से पादप में पाए जाते हैं, देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैग्नोलिया नाम का जो पादप होता है उसके लघु बीजाणु क्रॉसिक प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें चतुष्क कौन से प्रकार के होते हैं, क्रॉसिक प्रकार के होते हैं, कौन से पादप में, मैग्नोलिया नाम के पादप में। अब इसमें होता कैसे है उसमें हम बात करते हैं।
यहां पर क्या होता है ध्यान से सुनना है। देखिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के और फिर इसको हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए देखिए इस प्रकार का कौन सा होता है, क्रॉसिक प्रकार का होता है। क्रॉसिक प्रकार का चतुष्क होता है, किस प्रकार का होता है, यानी कि इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसमें दो लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। यहां पर दो लघु बीजाणु एक दूसरे के कैसे होते हैं, समकोण पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक दूसरे के कैसे हैं, यहां पे समकोण पर स्थित है, ये पहली बात आपको याद रखनी है। और इसमें आपको बता दूं जो ऊपर वाला जो चतुष्क होता है, ये ऊपर वाले चतुष्क, ये ऊपर वाला जो चतुष्क होता है ठीक है, वहां पर कितने लघु बीजाणु होते हैं, दो होते हैं, और नीचे वाले के अंदर केवल एक क्या पाया जाता है, नीचे वाले नीचे युग्म के रूप में, ऊपर वाला युग्म है, ये ऊपर वाला युग्म है दोनों, और इस ऊपर वाला जो युग्म होता है इसमें कितने लघु बीजाणु होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि दो लघु बीजाणु तो कैसे होते हैं, समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये भी देखो समकोण बन रहा है, यहाँ पे इधर भी समकोण बन रहा है, तो दो लघु बीजाणु तो समकोण पर स्थित होते हैं। और इसमें ऊपर वाला जो युग्म होता है, कौन सा युग्म होता है, ऊपर वाला जो युग्म होता है उसमें क्या होता है, दो लघु बीजाणु होते हैं, और निचला वाला युग्म होता है उसमें केवल और केवल एक लघु बीजाणु होता है। कितने लघु बीजाणु होते हैं, केवल एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉसित प्रकार का चतुष्क कहा जाता है। क्रॉसित प्रकार के चतुष्क की परिभाषा क्या हुई, ध्यान से सुनिए, ऐसा चतुष्क जिसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के कैसे होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं, कैसे स्थित होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं, तथा निचला वाला जो युग्म होता है वह निचला वाला युग्म में केवल एक ही लघु बीजाणु क्या होता है, दिखाई देता है, उसे क्रॉसित प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। आपको हमने बताया कि लघु बीजाणु चतुष्क सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के, चतुष्फलकीय, द्विसंधिपार्श्व, रैखिक, टीआकार के और क्रॉसित प्रकार के। चतुष्फलकीय में मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बीजाणु जिन्हें एक ओर से देखने पर ठीक है, जिसमें तीन लघु बीजाणु तो क्या है दिखाई देते हैं, केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, परंतु चौथा लघु बीजाणु इनकी किस ओर स्थित होता है, पीछे की ओर क्या होता है, स्थित होता है, पास तो से द्विबीजपत्री पादप। संधिपार्श्व मैंने आपको बताया जिसमें ऐसा चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु ठीक है, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, संधिपार्श्व कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको इनका एग्जांपल बताया था एक बीजपत्री पादप। रैखिक प्रकार के मैंने आपको हेलोफिला का एग्जांपल दिया और आपको बताया था कि ऐसा चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में या एक सीधी रेखा में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, उसे रैखिक प्रकार के कहा जाता है। चौथा मैंने आपसे बात की थी टी आकार के, टी आकार में मैंने आपको एग्जांपल दिया था एरिस्टोल ब्लॉक के पादप में, और इस प्रकार के पादपों के अंदर जो चतुष्क होता है उसमें दो लघु बीजाणु कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दो लघु बीजाणु तो लंबवत होते हैं, और दो लघु बीजाणु कैसे होते हैं, अनुपस्थ रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, या विन्यासित होते हैं या लगे हुए होते हैं, उसे टी आकार के कहते हैं। और अंतिम मैंने आपको बात की थी क्रॉसित प्रकार के चतुष्क, ऐसे चतुष्क जिसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा निचला युग्म जो होता है ऊपर वाले युग्म में दो लघु बीजाणु होते हैं, और निचले युग्म में केवल एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है या एक लघु बीजाणु ही विन्यासित रहता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉसित प्रकार का क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, या क्रॉसित चतुष्क के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए अगले टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पराग कण की संरचना। किसकी संरचना, पराग कण की संरचना या लघु बीजाणु की संरचना।
पराग कण की संरचना, पराग कण की संरचना निर्माण मैंने आपको अभी बता दिया था कि किस तरीके से पराग कणों का निर्माण होता है। हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर भी हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए पराग कण की संरचना पे हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पराग कण की संरचना कैसी होती है। देखिए एक लघु बीजाणु जो होता है, ठीक है, लघु बीजाणु जो होता है उसकी संरचना आपको बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है पराग कण की संरचना और आपको हम दिखा रहे हैं। ये पराग कण की संरचना में आपको इस तरीके की हम आपको ये संरचना आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पराग कण की क्या होती है संरचना होती है, लघु बीजाणु की संरचना। पहले हम इसके बारे में सामान्य रूप से बात करते हैं। ठीक है, पराग कणों का जब अंकुरण हो जाता है तो नवयुग्मकोद्भिद का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है नवयुग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है, हम आपसे केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पराग कण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, या एक लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है। देखिए लघु बीजाणु जिसे आप लोग पराग कण कहते हैं, ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है एक कोशिकीय होती है। पराग कण की संरचना कैसी होती है एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर प्रकार की होती है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये कैसी होती है एक केंद्र की होती है। ठीक है, बाद में द्विकेंद्र की हो जाती है। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएट उसके बाद बाइन्यूक्लिएट हो जाता है और उसके बाद जब इसका अंकुरण होता है तो यहाँ पे आपको बाद में बताएंगे कि यहाँ पे दो केंद्रकों का निर्माण होता है, एक कायिक केंद्रक होता है दूसरा जनन केंद्रक होता है। फिलहाल आपको यूनिन्यूक्लिएट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यूनिन्यूक्लिएट होता है न्यूक्लिएट। देखिए पराग कण की संरचना मैंने आपको बताया था कि इनकी पराग कण या लघु बीजाणु जो होती है उसकी संरचना एक कोशिकीय होती है, एक केंद्र की होती है और इनकी जो संरचना होती है वो द्विस्तरीय होती है। आपको यहाँ पे दो स्तर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सबसे बाह्य स्तर होता है। ठीक है, पराग कण के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है बाह्य चोल कहा जाता है। या हम सीधे शब्दों में कहें तो पराग कण की जो संरचना होती है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक बाह्य चोल और नंबर दो वाला भाग कहलाएगा अंतःचोल। बाह्य चोल और दूसरे को क्या बोलेंगे अंतःचोल। बाह्य चोल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं एक्साइन, और अंतःचोल को क्या बोला जाता है इंटाइन के नाम से जाना जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड जस्ट नाउ हियर। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए पराग कण की जो संरचना होती है, किसकी संरचना पराग कण की संरचना होती है उसके दो स्तर होते हैं, इसलिए हमने आपको बोला पराग कण या लघु बीजाणु की जो संरचना होती है वो डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है, द्विस्तरीय प्रकार की होती है। तो यहाँ पे एक स्तर गया दूसरा स्तर गया, सबसे बाह्य स्तर को बाह्य चोल बोलते हैं और सबसे आंतरिक स्तर को क्या बोला जाता है अंतःचोल कहा जाता है। सबसे पहले हम बाह्य चोल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये संरचना जिस पर हम बार बार ठीक है लगा रहे हैं यहाँ पर, इस वाली संरचना को क्या कहा जाता है बाह्य चोल कहा जाता है।
देखिए बाह्य चोल जो होता है, पराग कण का जो बाह्य चोल होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है, ठीक होता है, ठीक है। और आपको बता दें इसकी जो संरचना है यहां पर, ये एक प्रकार से कैसी है? अलंकृत प्रकार की होती है। बाह्य चोल कैसा होता है? मोटा होता है। और किस प्रकार का होता है? अलंकृत प्रकार का होता है। ये एक प्रकार से यहाँ पे अलंकार से यहाँ पे क्या है, लगे हुए हैं, ठीक है। तो बाह्य चोल की संरचना कैसी होती है आपको पता लग गया है कि इसकी संरचना मोटी होती है और अलंकृत प्रकार की होती है। देखिए बाह्य चोल जो होता है ये किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। आपसे पूछा जाए कि पराग कण का बाह्य चोल किससे बना होता है, तो पराग कण का बाह्य चोल अंतःचोल से बना होता है। किससे बना होता है? पराग कण का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। बाकी संरचना के बारे में हम नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे, ठीक है।